और इंतजामिया और दोस्त अहबाब ने मिल के पाकीज़ा अजलान रूहानी वजदानी प्रोग्राम का इनकाल फरमाया। मुझना चीजनों चंद लम्हा अपना बोलन की इजाजत फरमाई। मैं सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का अदना सा उम्मती होने के नाते मैं अपने महबूब की पाक बारगाह के अंदर कुछ मलफूजात पेश करूंगा। दुआ है अल्लाह करीम साडा मिल बैठना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए और इसकी कामयाबी का सब तो वड्डा राज यह है कि अल्लाह का वली सूफी बासफा अल्लाह करीम की रहमतों का हुजूर उन्होंने वजह तो इस महफिल पाक के उत्ते जारी और सारी है और उन्होंने सदारत अंदर इस महफिल पाक का इनकाद है और जलवा फरोज आप फरमाने तशरीफ फरमाने इन्होंने जियारत भी आप लोगों फरमाई मजीद भी चंद घड़िया के मौका मिलेगा जियारत का। अल्लाह करीम साढ़े इन्होंने जियारत करके पिछले सबीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए और आइंदा इन्होंने सिरात मुस्तकीम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग बड़ी देर तो तशरीफ फरमाओ मैं चंद मिनट अपनी हाजिरी लगवाना मकसूद समझदा तो आपने जड़िया मैं गल कर मेरे नाल तवज्जो भी रखनी है और मेरे नाल जिक्र भी करना है। तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने महफिल के दरवाजे पर सफर नहीं करीदा बल्कि ये समझीदा है कि अकीदा होना चाहिए बंदे का कि सरकार सुनते भी नहीं पे तो देखते नहीं पे कौन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जरा ना बाद तरीके के नाल बैठा ने सरकार भी मर्द तशरीफ फरमा सब सहाबा ने फरमाया जेड़े पीछे आए हो इजलिस बैठ जाओ। एक बंदा बाजार च हजूर की बात सुन के बैठ गया तवज्जो करो जरा बात सुन के बैठ गया सरकार की मजलिस खत्म हुई सहाबा जान लगे ते बंदा बैठे है नजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा गुजरे कुछ हवेली या तो उठ के जाता क्यों नहीं ये मजलिस खत्म होती है अर्ज करता है सरकार बैठ का ते हुक्म दिता सी पर खड़े होने का नहीं दिता हजूर बार आए खरामा 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 सरकार बार निकले मेरे आप को फरमाया हाँ भाई खराबिया बैठे हैं तो कहती हजूर तुम फरमाया से बैठ जाओ मैं बैठ गया लेकिन खड़े होने का हुक्म करना चाहवा से नहीं आई वरना खड़ा हो जाता हजूर फरमाया खड़ा हो या कह लगा कितों आए अर्ज की आपका नाल बस्ती है कोई सौदा सिलसिले आया सा घर मेहमान आए ने अल्लाह के प्यारे नबी ने मुस्करा के उनकी गल सुनिया सरकार ने उमर को फरमाया उमर तो बेहतर तरीके नाल जान है ये चेहरे तो दिल को पहचान होती है किड़े इलाके च आया अर्ज करते ने माँ बाप के नैना वाले हामिद के कुंडला वाले यासीन के सिरे वाले पहली मरतबा वेख्या अगे कभी इन आंदा नहीं वेख्या ये इस इलाके का भी नहीं लगता मेरे आका दी बारगाह विच जो अर्ज की ना ते ओ जड़ा सी मेरा भी हाथ जोड़ के अर्ज करदे आका इजाजत होवे ते मैं चला जा मेरे आका ने फरमाया हां इजाजत दे एक कदम उठ के ना ते पिछली साइड है यानी कि उल्टे पांव पे चलता है फिर दूसरे कदम से इजाजत मांगता है आका इजाजत दे तेरे आका फरमाया हां इजाजत दे इस तरह करदा करदा नजर तो हो जा हो गया मेरे आका दी बारगाह च हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते ने माता को कहना वाले यार तुसी ते जानते हो कि ये कितों आया ते कौन सी जरा मेरे आका मुस्करा के फरमाया उमर तेरी पहचान च नहीं आया अर्ज की सोनिया नहीं मेरे आका ने फरमाया उमर ये रब दा जबरील सी तो अदब से खान आया कौन सुभान अल्लाह इतने मिलाद मुस्तफा दी महफिल च अदब नाल बैठे ने दूसरा इधर उधर के खिलाना अपना खेडना नहीं अपना मोबाइल ना ना थले जमीन ना जितना जिक्र सुनो के तवज्जो दे नाल सरकार का जिक्र है ते मेरे आप का इशारा तो सलाम दी का हदीस समाप्त फरमा लो फरमाया या मोहम्मद मन जकरानी वला या जिक्र का ले सलाहु के जन्नत की नसीब ये मेरे लोग आके बैठते हैं ना मजलिस से जिक्र मुस्तफा दी का अंदर और आके जिक्र करते हैं ते सुनते हैं अल्लाह फरमाता का उन दे जन्नत नसीब है जन्नत लिख दी कौन सुभान अल्लाह ते आप हजरात ने तवज्जो भी फरमानी है ते जिक्र मुस्तफा
मोहब्बत नाल भी समाप्त कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पाक बारगाह दे अंदर हाल के कायनात में कुरान उठा, अल्लाह दा पाक कुरान पढ़ के देख, हाल के कायनात ने फरमाया ए मेरे प्यारे महबूब, असा जदो तौहीद दा जलसा कीता, असा जदो अपनी तौहीद नु बयान करना चाहया, अपने जबरील नु हुक्म दित्ता जबरील जी नु भेजनील, फरमाया जबरील जल्दी कर जा, ये सारी कायनात नु जमा कर ले, अज औलिया दीआं रूहां भी आउणगीआं, अंबिया कराम दीआं भी आउणगीआं, आज इस वक्त सारे सहाबा कराम दीआं ये रूहां भी आउणगीआं, हर नबी दी उम्मत नु बुलाया जाए, हर नबी दी कौम नु बुलाया जाए, हर नबी नु बुलाया जाए, अज तू ही तां जलसा है, अज अपना तो ही तां जलसा करन लगा, इन्हां लोकां नु दसना चाहां, अज भी पता लगिया कि तू ही ते जलसे आउंदे ने, अल्लाह भी तू ही तां जलसा कीता है, अल्लाह सारी कायनात नु बुला के, अल्लाह सारी कौम नु बुला लिया, अंबिया कराम नु बुला लिया, हर रूह नु जमा कर लिया, जमा करके फरमाया अनस्तो के रब से गुम किया मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर उस वक्त आवाज आई कानु बना हां तू साकर रब है कौन बोले हां मुसलमाना एक जिंदगी की निशान दे के जावा उस वक्त बोले आमीना दा लाल बोले है वो अच्छे सीने लिखे है आला माइने हजर लगी किताब दा नार जा तू तालिब किताब अंदर नकल कीता है, फरमाया ये दी मिसाल में आओ उस वक्त कौन बोलिया होएगा, उस वक्त तो मैं बोलना सी जरा जमाने वास्ते रहमत लिल आलमीन बन गया है, जरा सारे अंबिया दा बीना में उस वक्त ओ अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर जदो आवाज आई अलस्तु बि रब्बिकुम ये तो हित जलसा शुरू हो गया है, अज आवाज आई कालू बला इथे आके खत्म भी हो गया है, अल्लाह फरमाया लोगो मैं सुनना चाहता था इतने कोई नहीं बोलिया जितों तक मैं खुदा दी आवाज जाती है उतों तक मेरे मुस्तफा दी जितों तक मैं खुदा दी आवाज जाती है उतों तक मेरे मुस्तफा दी भी। ये पहला जलसा होया मेरे तवज्जो करो जरा, पहला जलसा है तुम गीत का किड़ा छोटा जलसा की ते कायनात सारी जमा कर लेगा, ये मेरे मालिक खाली तौहीद दा जलसा भी करता है या मबूवत दा जलसा भी होगा, फरमाया चुप करो वक्त गुजरिया, अल्लाह फरमाया जबरील छी लंबे जली फरमाया जा अंबिया नु जमा कर करो सुभान अल्लाह, कुछ कह जरा सुभान अल्लाह, जिदा अंबिया को जमा करके जिदा शान रब सुनाया है तो ओदा उम्मती है, कहना सुभान अल्लाह, कुछ कह जेड़ा मुस्तफा दा पक्का ते सच्चा उम्मती है ओछ कह सुभान अल्लाह, है मेरे रब ने फरमाया जबरील जी लबे चली फरमाया अज इंज कर अज यार दा जलसा करिए, पहला ते तौहीद दा जलसा होया असा अज मिलाद दा जलसा कर रहे हो सुभान अल्लाह, है लोकां ने मिलाद लिखिया किथे आ कमलिया लिखण दी तू गल छड़ तेरे नसीब च नहीं लिखिया सुनिया दे नसीब च लिखिया कौना सुभान अल्लाह, जिदे नसीब च मिलाद लिखिया उच्ची कह जरा सुभान अल्लाह, पता लगे मेरा तवज्जो की लिए केड़ा बंदा जेड़ा ना वो आसे पासे टाइम पूरा पे कर दे, एक तौहीद दा जलसा है ते इतनी जल्दी खत्म हो गया जिन्ना टाइम कितना लगा अलस्तु रब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, ते मुस्तफा ने फरमाया कालू बला उस तो बाद सारे दी आवाज आई हाँ तू साडा रब है कौ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मैं खत्म हो गया है बस मैं अपनी तौहीद दा ऐलान करना चाहता सा, याद दीवारी आई फरमाया अंबिया नु बुलाओ या अल्लाह अन सारीयां रूहां नु क्यों नहीं बुलाया, फरमाया इस वास्ते नहीं बुलाया अंबिया दी पकीजा रूहां नु बुलाया है यार दा तज़किरा करना है उन्होंने सामने जिन्ना यार दा जाके कायनात दे जिक्र करना है कुछ को सुभान अल्लाह, फरमाया इज़ा खज़ल्लाहु मीसा नबीना लमा आतीतुहु मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल, ए मेरे प्यारे अंबिया इकराम सुनो मैं तुहानू जो नबूवत दिया तुहानू ताज दिया तुहानू तख्त दिया तुहानू हुकूमत दिया तुहानू हिकमत दिया फिर की करना यार
फरमाया जदों तुसी ताज लेके जाओ अपनी अपनी नबूवत से तारा चमके आदम जाएगा शीश जाएगा हजरत नूह अलैहि सलाम व सलाम जान के इब्राहिम जान के सारे वालों वाली नबूवत ते ताज ते हिकमत लेके फरमाया फिर क्यों ने सुमा जा अकुब रसूल फिर तुम्हारे को मेरा एक रसूल आएगा कौन सुभान अल्लाह है मेरा एक रसूल आएगा या अल्लाह नबूवत सानो दे के टोरेगा ऐलान अपने रसूल का प्यार करता है फरमाया मुसद्दी कुल लिमा माकुम लतुमिनु नबी ही वला तंसुरुना फिर वो जाके तस्दीक करेगा जिदी तस्दीक करेगा अल्लाह उन अंबिया दा ताज अता फरमाएगा कुछ कौन सुभान अल्लाह हे मेरे मालिक कौन है ये जलसा की दर फरमाया मैं अपने यार दा आज मिलाद अंबिया दे सामने पढ़ के दसना जाना फरमा जा चादर लाके आ जाए जो मेरा यार आ जाए तुसा मेरे यार के ईमान भी लिया मदद भी करनी है मदद भी करनी है अल्लाह फरमाया मदद भी करनी है ए कोई जलील कदर नबी नहीं बोलिया हजरत मूसा ने सलात व सलाम नहीं बोले हजरत इब्राहिम नहीं बोले हजरत आदम नहीं बोले किसे नबी ने नहीं किया या मालिक कौन है कदू तेरा यार आ जाए ए मदद करने वाला भी तू है अल्लाह मदद करने वाला ते तू है फिर मदद करने वाला है अल्लाह तू खालिक है अल्लाह तू नबूवत भी तू अता करनी है ए मेरे मालिक हर रोज जलाल भी तू अता करना है काले आका ना मेरे यार दे ईमान भी ले आया जे या ये ना कि आ जे ए इब्राहिम तू नबी बन के जाए मेरा यार आ जे ते नहीं कहना मैं नबी आ ए शीश जदो मेरा यार आ जे तू भी ए नहीं कहना मैं नबी आ ए मेरे इब्राहिम जदो मेरा यार आ जे ए मेरे प्यारे यूसुफ जदो यार आ गए ए नहीं कहना मैं नबियां ए मेरे यार ते ईमान ले आना है मेरे रसूल ते ईमान ले आना है ओदी मदद भी करनी है या अल्लाह मदद करने वाला ते तू है अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च अंबिया करा मैंने अर्ज की थी या अल्लाह असी ईमान भी ले आवांगे असी यारे यार दी मदद भी करांगे काला करा اقرار تو واخذ تم على ذالکم اسری اے میرے رب نے فرمایا اقرار کرو اور نبی اکرام نے اقرار کیتا یا اللہ جب تیرا یار آ جائے گا اسی مدد بھی کران گے اسی تیرے یار دی یعنی کی مدد بھی کران گے ایمان بھی لے آواں گے یا اللہ اسی اقرار کرنے آ فرمایا इकरार कीता है या अल्लाह जदो तेरा यार आ जाएगा असी तेरे यार दे ईमान दी ले आवांगे असी तेरे यार दी मदद भी करांगे या अल्लाह रसूल सानू ही बनाई नबूवत सानू ही दित्ती आ या अल्लाह सानू तोड़ के फिर यार नु कला के ओदे ते ईमान ले आउण दा हुक्म दे ले फरमाया नबीओ अगर कोई दूसरा रब होया तुसी शरीक बर्दाश्त नहीं करोगे इस वास्ते कहना वा पिया जे तुसी रब दा शरीक बर्दाश्त नहीं कर सकते मैं अपने मोहम्मद दा शरीक सुभान अल्लाह मैं अपने यार दा बोलो तो सही यार यार तो तुसा नहीं लाना पर थोड़ा जेहा बोलो ना सुभान अल्लाह ते कहो ना सुभान अल्लाह
मैं अपने यार का जो यार आ जाए मैं नहीं चाहता कि वो मुकाबले से कोई नबूवत का दूसरा ऐलान करे। मैं चाहना जिम्मे मैं लाश दे यानी कि लाश शरीक हाँ मेरा कोई शरीक नहीं, इस तरह जो मेरा यार आए वह भी कोई शरीक ना हो। सुबह दस्तखत कर लिए, दस्तखत करवाए सारे ने क्या काला قالوا اقرار فشهد فشهد وانا معكم تسی ایک دوسرے تے گواہ ہو جاؤ۔ اے فرمایا عیسیٰ تو موسیٰ تے گواہ ہو جا، اے موسیٰ تو عیسیٰ تے گواہ ہو جا، اے آدم تو شیش تے گواہ ہو جا، اے شیش تو آدم تے گواہ ہو جا، اے ابراہیم